हाथियों का दल ग्रामीण क्षेत्रों से रुख बदलकर अब शहरी क्षेत्र में आ धमका है, जिससे डोंडी में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। देर रात हाथियों का दल डोंडी के वार्ड नंबर 12 में पहुंचा और आधा दर्जन से अधिक मकानों को तोड़ दिया। बीते 5 दिनों में 23 मकानों को हाथियों ने तोड़ा है। कच्चे मकान की दीवार को तोड़कर भीतर रखे सभी सामानों को हाथियों ने पूरी तरह तहस नहस कर दिया। गनीमत ये रही कि उस वक्त घरों में कोई नहीं था। घर लौटने पर लोगों के आंसू छलक पड़े, क्योंकि कई लोगों के पास रहने के लिए और खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन वह और वन विभाग सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं कर पाया। यहाँ तो कुछ नहीं बचा है सर, अब बोलूंगा तो बर्तन भी नहीं बचा है, अब थोड़ा बहुत धान दे है वही तो है। कि यहाँ जो हाथी पीड़ित परिवार है उनके लिए नगर पंचायत में डोंडी के अंदर सामुदायिक भवन बने हुए हैं, अगर इनको आवश्यकता हुई तो हम इनको परिवार से वहाँ शिफ्ट करेंगे जब तक इनको राहत नहीं मिल जाती। और साथ ही साथ इनसे यह भी निवेदन करेंगे जो इस वार्ड में हाथियों का आतंक हुआ है वो थोड़ा संभल कर रहे, उनको छेड़े ना, अपने बचाव खुद करें। वो सीएमओ को ये निर्देशित किया गया है कि जो घर टूटा हुआ है उसमें रहने वाले परिवार को कई सुरक्षित स्थान पे रखा जाए, और साथ ही साथ आसपास के जितने भी कच्चे मकान हैं और जहां धान रखा हुआ है अभी भी फसल का कटाई के बाद रखा हुआ है उनको उनके धान को पहले उसके लिए बेचने के लिए हमने समितियों को निर्देशित कर दिया है।